السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, my dear student. How are you? I hope you are fine. Today in our VD class, topic is masail. Lesson number 1, condition of salah. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले दो वीडियोस के अंदर हमने आपको फ़राइज़ ऑफ गुसल और फ़राइज़ ऑफ वुज़ू ये आपको बतला दिए हैं. आज का हमारा लेसन है कंडीशन ऑफ सलाह. प्यारे बच्चों, ऑलरेडी ये जो आ रहे हैं ये फ़राइज़ है, उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि गुसल के फ़र्ज़ थे, अगर आपका एक भी फ़र्ज छूट जाता है तो आपका गुसल नहीं होता, आपका गुसल अधूरा रहता है. इस तरीके से प्यारे बच्चों, वुज़ू के फ़राइज़ थे कि अगर उन चार फ़र्ज़ों में से एक भी फ़र्ज़ आपका छूट जाता है या उन फ़र्ज़ों के अंदर कोई कमी रह जाती है तो आपका वुज़ू नहीं होता है. इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये कंडीशन ऑफ सला जिसको नमाज के बाहर के फ़राइज़ भी कहते हैं और इन्हें शराइत भी कहते हैं. हम मदरसों के अंदर उसको पढ़ते हैं कि नमाज के बाहर के फ़राइज़ और नमाज के अंदर के फ़राइज़. टोटल ये 13 है, बाहर के 7 है और अंदर के 6 हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ सला, यानी नमाज के बाहर के शराइत जिसको फ़राइज़ भी कहते हैं. तो प्यारे बच्चों, अगर ये इसका हम नमाज के अंदर फॉलो करेंगे तो हमारी नमाज सही होगी, और उसका फॉलो नहीं किया तो हो सकता है हमारी नमाज कबूल ना की जाए. इसलिए कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ के छूटने की वजह से हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है. तो प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर उसको पढ़ते भी हैं और उसको हमें याद भी कर लेते हैं. तो यहाँ पर दिया है कंडीशन ऑफ सला. देयर आर 7 कंडीशन बिफोर सला. These are known as the शराइत of सला. प्यारे बच्चों, उसको नमाज के शराइत भी कहते हैं और उसको फ़राइज़ भी कहते हैं. शराइत के बगैर न नमाज होती है और फ़राइज़ के बगैर न नमाज होती है. यानी जिस तरीके से ऊपर गुजरे, अगर एक भी फ़र्ज छूट जाता है तो वो अधूरा रहता है. इस तरीके से नमाज के अंदर भी 7 शराइत है, 7 फ़राइज़ है. अगर उसमें से एक का भी फॉलो हमने नहीं किया तो हमारी नमाज नहीं होगी. नंबर 1, द बॉडी मस्ट बी क्लीन. प्यारे बच्चों, सबसे पहले नमाज के लिए अपने बदन का पाक होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका बदन नापाक है, पेशाब वाला है या किसी और चीज़ की गंदगी और नापाकी आपकी बॉडी के किसी पार्ट्स के अंदर लगी हुई है तो आपकी नमाज नहीं होगी. इसलिए सबसे पहला पॉइंट लाए हैं, द बॉडी मस्ट बी क्लीन. सबसे पहले हमारी बॉडी को पाक रखना है. क्लीन मीन्स पाक रखना है. साफ तो होती है लेकिन यहाँ पर क्लीन का मीनिंग लिया गया है पाक. अगर साफ है हमारी बॉडी, कोई चीज़ भी नहीं है लेकिन नापाक है, तो ये आपकी बॉडी नापाक समझी जाएगी, आपकी बॉडी पाक नहीं समझी जाएगी. आप ऐसे बदन के ज़रिए से, चाहे आपके कपड़े पाक हो, साफ़ सुथरे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी नापाक है तो आपकी नमाज नहीं होगी. सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को पाक करना पड़ेगा.
नंबर टू, द क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर दिया है कि हमारे बदन के साथ कौन सी चीज लगती है। कि सबसे पहला बदन आया, बदन के साथ लगने वाली चीज हमारे कपड़े हैं। प्यारे बच्चों, बदन के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ अपने कपड़ों का भी पाक होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी पाक है और कपड़े ना पाक है, तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, बॉडी भी पाक रखना है और उसके साथ साथ हमारे कपड़े भी पाक रखना है। अगर हम रात को सो जाते हैं, अगर कपड़े नापाक हो गए हमारे पेशाब वगैरह से, तो हम उठने के बाद सबसे पहले बाथिंग करके बॉडी को पाक करेंगे। उसके बाद हम अपने कपड़ों को, पाक कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर वन के ऊपर बॉडी आया और बॉडी के साथ यानी हमारे बदन के साथ जो चीज़ लगती है वो हमारे कपड़े हैं, चाहे वो पैंट शर्ट हो, कफनी पायजामा हो या जुब्बा हो, जो भी हो आपका पाक होना चाहिए। अगर नापाक है तो आपका ऐसी हालत के अंदर नमाज पढ़ना अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा, बल्कि वो गुनहगार होगा। नंबर थ्री, द प्लेस ऑफ सला मस्ट बी क्लीन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आया बदन, बदन के साथ लगता है हमारे कपड़े। अब बदन के साथ क्या लगेगा कि जगह, कि जो प्लेस होती है जहाँ हमें नमाज पढ़ना है, चाहे वो मस्जिद हो या अपना घर हो या इबादत खाना हो या किसी जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की जगह पाक होनी चाहिए। अगर वो जगह नापाक है तो वहाँ हम नमाज नहीं पढ़ सकते। एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर छोटा भाई बहन है, उन्होंने घर के किसी हिस्से के अंदर पेशाब कर दिया, आप उस जगह, और वो सूख भी गया है, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसी जगह के ऊपर आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं शुमार की जाएगी। इसलिए कि प्यारे बच्चों, ये जगह नापाक है और नापाक जगह के ऊपर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले आपको उस जगह को पानी से पाक करना पड़ेगा, पोटा लगाना पड़ेगा। पानी से साफ करने के बाद उस जगह के ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर ऐसी हालत के अंदर, नापाकी वाली पोजीशन के अंदर आपने नमाज पढ़ ली, तो आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरा एक एग्जांपल दूँ, प्यारे बच्चों, आपको घर पे पता नहीं था, आपने पेशा वाली जगह पर नमाज पढ़ ली, मम्मी ने हमको बताया कि वो जगह तो नापाक थी, तो आपको उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि आपने नापाक जगह के अंदर नमाज पढ़ी है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये भी हम अपने माइंड के अंदर रखें कि जहाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक है कि नहीं है। अगर पाक नहीं है तो हम दूसरी जगह पर नमाज पढ़ेंगे या उस जगह को साफ करके नमाज पढ़ेंगे। नंबर फोर, द बॉडी मस्ट बी कवर्ड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया है अपनी बॉडी को कवर करना, यानी सतर को छुपाना। चौथे नंबर का है अपने सतर को छुपाना। देखो प्यारे बच्चों, बच्चे और बच्चियों का सतर अलग अलग है। बच्चों का सतर है नाफ यानी डूटी से लेकर घुटनों तक, ये बॉयज़ का सतर है। अगर किसी के पास कोई कपड़ा नहीं है और उसको नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इतनी जगह को छुपा ले और फिर नमाज पढ़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत सारी नेमतों से हम सबको नवाजा है। हमारे पास कपड़े भी है और दूसरी चीज़ें भी है, तो हमारे लिए ये पोजीशन नहीं आता कि हम सिर्फ सतर छुपाकर नमाज पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, ये उस वक्त है कि कोई इंसान के पास कुछ भी कपड़ा नहीं है, अब उसको नमाज पढ़नी है, तो वो ये पोजीशन के अंदर अपने सतर को छुपाकर नमाज पढ़ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी, बॉयज़ का सतर है,
अपनी नाफ यानि ड्यूटी से लेकर घुटनों तक इतना छुपाना फ़र्ज है। ये उस वक्त है जबकि उसके पास कुछ भी कपड़ा नहीं है और इतना कपड़ा है कि वो सतर छुप सकता है, तो ऐसे पोजीशन के अंदर सतर छुपाकर नमाज पढ़े। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कपड़े भी दिए हैं तो हम पूरे कपड़े पहनकर ही नमाज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब गर्ल्स का सतर यानी जो हमारी बच्चियां हैं उनका सतर है, फीमेल का सतर है यानी फेस चेहरे के अलावा और अपने हाथों के पंजों के पोंछों के अलावा और पैरों के पंजों के अलावा पूरी बॉडी उनका सतर है। यानी पूरी बॉडी में से हम उसको निकाल देंगे, फेस चेहरे को निकाल देंगे, अपने हाथों की उंगलियां हथेलियों तक निकाल देंगे और पैरों के पंजों को निकाल देंगे, उसके अलावा पूरी बॉडी उनके लिए सतर है। मेरे प्यारे बच्चों, उसके यानी ये अगर खुला है और पूरी बॉडी ढकी हुई है तो ऐसी हालत के अंदर ये नमाज पढ़ सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ऐसे पोजीशन के अंदर उनके बाल खुले हुए हैं, बदन का दूसरा हिस्सा खुला हुआ है, तो यानी उनका सतर खुल गया है, वो नमाज सतर को छुपाकर पढ़ सकती है, सतर को खोल के नहीं पढ़ सकती। अगर बाल खुले हुए हैं तब भी हमारा ये फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ सतर का छुपाना। इसलिए बच्चियों को ये चाहिए कि अच्छी तरीके से वो अपने बदन को छुपाकर नमाज पढ़े। इसलिए कि सिर्फ ये नमाज का मसला नहीं है बल्कि बच्चियाँ और औरतें और हमारी माएँ और बहनें, ये उनका पूरा बदन ही सतर है, चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चियाँ और बच्चों, आपको अपने सतर को छुपाकर नमाज पढ़ना है। यहाँ पर आया चौथे नंबर पर, द बॉडी मस्ट बी कवर, यानी अपने सतर को छुपाना है। तो मैंने बॉयज़ का सतर भी बता दिया कि नाफ से लेकर यानी ड्यूटी से लेकर घुटनों तक, और गर्ल्स का सतर भी बता दिया कि पूरी बॉडी उनका सतर है, सिर्फ फेस हाथ के पोंछे यानी उंगलियां और हथेली और पैर के पंजे, उसके अलावा पूरा बदन उनका सतर है। नंबर 5, द टाइम ऑफ सला मस्ट बी करेक्ट। प्यारे बच्चों, ये भी हमें माइंड के अंदर रखना है कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नमाज का टाइम ना हो और हम उस वक्त नमाज पढ़ रहे हो। जैसे कि तीन टाइम मकरूहात के हैं, उस वक्त आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे कि सुबह में सूरज निकलता है, दोपहर में जब आसमान के बीच के अंदर सूरज आता है, और तीसरा जब सूरज डूबता है, उस वक्त हम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। और दूसरी नमाज भी हम जब पढ़े तो हम उसका टाइम भी देख लें कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं क्या उसका टाइम है कि नहीं है। अगर उसका टाइम है तो हम नमाज पढ़ें, अगर टाइम नहीं है तो हम उस टाइम नहीं है तो हम नमाज को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ये टाइम का जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें उसको भी अपने माइंड के अंदर रखना है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाए या कभी भी हम नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या जो नमाज हम पढ़ रहे हैं क्या उसका टाइम है कि नहीं है, और जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या ये सही टाइम है। मकरूह तो टाइम नहीं है कि जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमें माइंड के अंदर रखना है। नंबर 6, वन मस्ट फेस द क़िबला। प्यारे बच्चों, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा फेस हमारा चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किबला किसी और जगह की तरफ है, किसी और सिमत में है, और हमारा चेहरा हमारा फेस किसी और की तरफ है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम नमाज पढ़ रहे हो तो हमें ये माइंड में होना चाहिए कि जिस तरफ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ उसी तरफ किबला है। अगर हमको पता नहीं चलता है तो हम किसी को पूछ लें कि भाई नमाज मुझे पढ़ना है, कौन सी साइड पे किबला है, ताकि मैं अच्छी तरीके से नमाज पढ़ सकूँ।
प्यारे बच्चों, ये भी अपने माइंड के अंदर रखना है कि किबले की तरफ हमारा फेस, हमारा मुंह होना चाहिए। अगर आउटसाइड है या बैक साइड है तो आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसे पोजीशन के अंदर हमें अगर हम पता नहीं चलता है तो हमें दूसरों को पूछकर नमाज की सिमत यानी नमाज किस तरफ पढ़ी जाती है उसको पता कर लेना चाहिए। नंबर 7, द करेक्ट इंटेंशन मस्ट बी मेड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नीयत करना कि हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर की नीयत करें, हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर की नीयत करें, हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो असर की नीयत करें, फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज की नीयत करें, सुन्नत और नवाफिल पढ़ रहे हैं तो उसकी नीयत करें। इसलिए नीयत करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि सारी चीज़ों का दारोमदार नीयत के ऊपर है। यानी हम जिस चीज़ की नीयत कर रहे हैं, क्या वही हम नमाज पढ़ रहे हैं या हमारी नीयत है या नहीं है। अगर है तो सही, वही नमाज पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, हम फर्ज की नमाज, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और हम नीयत कर रहे हैं जोहर की, तो ये नमाज आपकी नहीं होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो हमें नीयत करना है कि मैं 4 रकात जोहर की नमाज अल्लाह के वास्ते, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हमें नीयत करना है। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो हम ये नीयत करें कि मैं 2 रकात फजर की नमाज अल्लाह के वास्ते, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से हम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज जानदार बनेगी और अल्लाह ताला ऐसी नमाज़ों को कबूल करते हैं। और जो इन चीज़ों का फॉलो नहीं करते, नमाज में ध्यान नहीं देते, तो अल्लाह ताला उनकी नमाज़ों को उनको ही वापस लौटा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम नमाज पढ़े तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और नमाज के ऊपर, इन फराइज और शराइत के ऊपर अमल करना है। इंशाअल्लाह हम सब उसके ऊपर अमल भी करेंगे और हमारे फ्रेंड, दोस्त और अपने घर वालों को भी बताएंगे कि नमाज के शराइत है, उसके ऊपर अमल करने से हमारी नमाज सही होती है। प्यारे बच्चों, ये नमाज के शराइत थे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फराइज ऑफ सला यानी अंदर के फराइज है उस लेसन को हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।